ये हमने क्या किया है, ये जैसे हमने पम्पकिन का सीड होता है दैट इज़ वेस्टेज, उस सीड को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, क्रैकर्स में। तो ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। पपाया चटनी भी वहाँ पर, पपाया चटनी है जैसे, पपाया पपाया का आपको पता है ये ऐसे काम भी खाते हैं, जब चटनी बनाएंगे खट्टी मीठी बहुत टेस्टी होती है, ये सुबह आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन जिस समय प्रोडक्ट तैयार हो रहा होता है आपको तो मौका मिल जाता होगा कि इसे पहले इस तरीके से टेस्ट करें, नमकीन ज्यादा तो नहीं होगा, मीठा ज्यादा तो नहीं होगा। वो तो है, वो तो है, वो जब तक हम खुद नहीं खाएंगे किसी को क्या कहेंगे। अच्छा, ये सारे अपने प्रोडक्ट आप खुद भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि स्वादिष्ट है, मार्केट में भेजने का काम है, चीनी का ज्यादा कुछ है वो हमने देखना होता है ना। मुनाफे में आने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोगों को वो दें जो वो कंज्यूम करते हैं। आप मार्केट में गाजरें खरीदने जाएंगे तो बहुत कम रेट पर आपको गाजरें मिल जाएंगी, लेकिन उन गाजरों से ही अगर आप गजरेला बनाकर उन्हें देंगे तो आप प्राइस भी ज़्यादा लगा सकते हैं, लोगों को भी स्वाद आएगा उसे खाने में। उसी तरीके से फूड साइंसेस डिवीजन जो स्क्वास्ट जम्मू में है, जिस जहाँ पर मैं इस समय हूँ, वो कोशिश ये कर रहा है कि अलग अलग जगहों पर बेसिक जो आइटम्स एग्रीकल्चर की उन्हें किस तरीके से ऐसे मॉडिफाई किया जाए कि उसे जब मार्केट किया जाए तो लोगों को भी फ़ायदा हो, किसानों को भी फ़ायदा हो, और आम चीज़ें, पपीता है बड़ी आम सी चीज़ है या फिर आम है और ज़्यादा आम चीज़ है, उन सब चीज़ों से ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ जिन प्रोडक्ट्स को आप भी खाएं तो आपको मज़ा आए और जो किसान इसे बनाकर आप तक पहुंचाएगा उसका भी फ़ायदा हो। तो डॉक्टर जगमोहन इस समय मेरे साथ हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कैसे एक आम किसान भी इंश्योर कर सकता है कि वो भी ये सब बना सके और उसे भी मुनाफा हो। तो डॉक्टर जगमोहन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि क्या क्या ये इन्वेंशन आपने यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ये एडिश पाउडर, जैसे ही पाउडर है ना, हमने क्या किया पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने, ठीक है। इसको क्या होता है, इसको आप दही में भी डाल के खा सकते हैं, चपाती में भी डाल के खाते हैं। उसके बाद क्या है, ये हमने बनाया सिट्रस, जो हम खाते हैं ना जैसे कीनो हो गया, गलगल, तो जो उसका वेस्ट होता है छिलका, उसका हमने पाउडर बनाया। अब ये पाउडर को हम कुकीज़ में जब कन्वर्ट करेंगे ना तो ये फाइबर एनरिच्ड कुकीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो फ्लेवर भी इसमें बिल्कुल फ्लेवर भी वही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आप देखोगे, ये ओनरा हर्ड पाउडर, ये जो होता है ना हर्ड, ये बहुत कड़वा होता है, हमने इसका कड़वापन ख़त्म किया है, ठीक है। और इसको मिक्स किया इस पाउडर के साथ, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जामुन, जामुन का जो सीड होता है दिस इज़ वेस्टेज है, तो हमने सीड को क्या किया, कन्वर्ट किया पाउडर फॉर्म में, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो है इसको भी हमने पाउडर फॉर्म में बनाया, जैसे सुबह एक चम्मच हम ये खाएंगे, पानी पियेंगे, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो हम डिफरेंट बनाते हैं प्रोडक्ट्स। ये हमने क्या किया, ये जैसे हमने पम्पकिन का सीड होता है दैट इज़ वेस्टेज, उस सीड को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, क्रैकर्स। तो ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे इसको। और अलग अलग ये जो कैंडीज बनाई हुई, जो चीज़ें बनाई हैं, प्रोसेस जानना चाहूँगी कि प्रोसेस इसे करना आसान होता है या अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। इजी होता है, इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेनिंग भी चाहिए, लेकिन बहुत ईजी होता है। इससे क्या होता है, जैसे किसान है, अब देखो ये वेस्टेज है, ठीक है, जब अगर इसकी वो कैंडी बनाएंगी इसकी कॉस्ट जो है डबल हो जाएगी, ठीक है, तो उनको इससे बेनिफिट भी हो जाएगा। अब ये देखो जैसे ये जामुन सीड पाउडर है, ये अब देखो ये जैसे ये पत्ते होते हैं इसके, किसके है, रेडिश के, ये वेस्टेज है, तो इसको हमने क्या किया, सुखा के, जैसे चावल का आटा होता है, जैसे फुलवड़ियाँ होती हैं वो बना दिए, खाने में भी अच्छी होती हैं। तो ये एक किस्म चाय के साथ जैसे स्नैक्स होते हैं वो हम खा सकते हैं, ठीक है। ये भी कोई टॉफी वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये मखाने होते हैं ना, मखाने को हमने गुड़ में क्या किया हुआ, थोड़ा फ्राई किया हुआ है, तो ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, ये हो गया मखाना टॉफी। तो आज इसको फर्स्ट अवार्ड मिल रहा है वहाँ पर। अच्छा, हाँ जी, इस पर। तो मुझे ये बताएं कि ये सारी जो आइटम्स आपने यहाँ पर अभी दिखाई, कैसे ये एक किसान जो है वो ये इंश्योर करे कि जो वेस्ट बच जाती हैं उससे वो ये प्रोडक्ट बनाए और फिर उसे मार्केट में बेचे। हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, जैसे होता है ना, हम गांव में भी जाते हैं, वहाँ वहाँ पर ट्रेनिंग्स देते हैं, तो वो क्या होता है, अपना क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ भी ना, वो अपने सेल्फ को बना के अपनी सामान बेचते हैं। यहाँ भी दो स्टॉल लगे हुए हैं, तो लेडीज़ आई हैं, उनको हमने सिखाया हुआ है। लेडीज़ की अगर बात की जाए तो अक्सर जब हम भी गांव में जाते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखते हैं तो ज़्यादातर उनका फोकस होता है अचार बनाने में। वो कुछ अचार भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि अचार आसानी से बन जाता है, ज़्यादा कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, और ज़्यादातर लेडीज़ को मालूम होता है कि अचार कैसे डालना। तो ये कौन कौन से अचार यहाँ पर आपको स्पेशल, कोई अचार अगर आपने बनाया? जैसे ये करौंदा का पिक्कल है, ये इसका बहुत बेनिफिट है, ये उसके लिए जो होता है ना जिसमें ब्लड की कमी होती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इसमें एच पी बढ़ता है, तो इसका अगर वो स्कैश बनाए वो भी बहुत अच्छा होता है, टेस्टी। अच्छा। होता है, और पिक्कल भी खाने में बहुत अच्छा होता है इसका।
उसके बाद पपाया चटनी भी वहाँ पर, पपाया चटनी है जैसे पपाया, पपाया का आपको पता है ये ऐसे काम ही खाते हैं, जब चटनी बनाएंगे खट्टी मीठी बहुत टेस्टी होती है, ये सुबह आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। उसके बाद हमने ये जो थोड़ी सी कॉमन चीज़ें हैं जैसे बेल रस भी है यहाँ पर, और बेल फ्रूट जो है अक्सर लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं क्योंकि बहुत स्वीट होता है ना, इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, खाने में बहुत बेनिफिट है ये, तो ऐसे ही अगर पियोगे तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। और आपसे ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहूँ कि क्योंकि मोस्टली किसान जो है वो अपने काम काजों में बिजी होता है तो उसके पास मौका नहीं मिलता कि वो जो कनक की खेती कर रहा है या बाकी चीज़ें कर रहा है उससे समय निकाल कर वो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आए, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप कि कैसे फार्मर ये इंश्योर करे कि वो इन प्रोडक्ट्स में भी डाइवर्सिफाई कर सके, जैसे आम की खेती अखनूर जैसे उनकी लेडीज़ होती है ना उनको काफ़ी शौक होता है, तो हम क्या करते हैं जैसे हम अपना बनाते हैं शेड्यूल डिवीजन में कि हम कौन से गांव जाएंगे, अब वहां का जो मुखिया होता है ना उसको हम इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा। तो वो लेडीज़ को इकट्ठे कर देता है, तो यहां से दो या तीन टीम जाती है साइंटिस्ट की, वहां पे हम अपना सामान लेके जाते हैं, वहां उनको इकट्ठे करके उनको सिखाते हैं, फिर मतलब एक हफ्ते के या नेक्स्ट मंथ के फिर उनको हम कहते हैं कि अब आप खुद बनाओ, खुद बना के देखो तो आपको बेनिफिट कितना होता है। अब प्रोडक्ट मान लीजिए कि लोगों ने कोशिश भी की, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और ये प्रोडक्ट तैयार भी कर दिया, फिर मामला आता है मार्केटिंग का, क्योंकि गांव से निकलकर उस प्रोडक्ट को शहर में पहुंचाना या मार्केट पे पहुंचाना चाहे तो अपना गांव में भी तो दे सकते हैं ना, वहां भी उसकी कीमत जो है कम करें, सिटी में आएंगे अब डिपेंड होता है पैकेजिंग मटीरियल पर, जैसे ही है खाली इसकी कॉस्ट है 20 रुपीज, अगर उन्होंने इसमें सिंपल पैक पैक किया होगा तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी ना, तो वहाँ गाँव में क्या होता है वहाँ इतनी पैकेजिंग नहीं देखते, सिटीज में ज़्यादा पैकेजिंग पे होता है, सिटी में क्या पैकेजिंग अच्छी होगी ना चाहे आप कॉस्ट डबल दो तो वो तब भी लेंगे, लेकिन गांव में क्या होता है उनकी ये जो कॉस्ट है ये कम पे भी बिक जाएगा। लेकिन इस तरीके की कोई मार्केटिंग सपोर्ट भी क्या दी जा रही है किसानों को जिससे वो अपने प्रोडक्ट मार्केट में भी बेच पाए? नहीं मार्केटिंग का हम नहीं है, वो ABM डिपार्टमेंट है वो हुआ है। अच्छा, आपका केवल इन्वेंशन का काम है और ट्रेनिंग का काम है। वहाँ पर कुछ कैरेट के नूडल्स भी देखने को मिल रहे हैं, ये क्या? स्टूडेंट्स हैं जैसे MSc PhD, उनको हम जैसे देते हैं नया काम, इसमें क्या कि हमने कैरेट का पाउडर बना के उसको हमने मैदे में डाल के इसके नूडल्स बने हैं, ये सिंपल मशीन है हमारे पास, तो उसके नूडल्स बना के फिर हम क्या करते हैं इसकी सेंसरी वैल्यूएशन करवाते हैं बच्चों से, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करते हैं क्या है, तो उसके हिसाब से बच्चे थीसिस बनाते हैं। वही है, तो यहाँ पे कौन वो स्टूडेंट है जिसने थोड़ी मेहनत की है इस कैरेट नूडल्स के ऊपर? फ्रेशर्स है, बाकी वहाँ गया इनाम लेने, तो इन्होंने जस्ट इनकी एडमिशन हुई है। लेकिन मतलब स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इन्वेंट कर रहे हैं और कोशिशें करें कि ये नए प्रोडक्ट जो है वो सामने ला सके। ये सभी स्टूडेंट्स देखो जैसे ये बनाया, ये स्टूडेंट्स का काम है। अच्छा, तो ये जैसे ये है ये ब्रांडेड आइट, ये भी स्टूडेंट्स का काम है। अच्छा, ये जो है ये आपने देखा होगा, ये बद्रवा में फ्रूट होता है परसीमन, इसके हमने नगट्स बनाए हैं, इसको ड्राई किया पाउडर बना के उसके बाद इसको होता है मेज होती है ना जैसे उसके साथ मिक्स करके इसके हमने नगट्स बनाया। और ये सारी चीज़ें लोग क्या कंज्यूम भी कर रहे हैं या देखने में और सुनने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आते हैं ना जिनको हम सिखाते हैं वो तो कंज्यूम भी करते हैं। अब देखो ये जो कैंडी है ये देखने में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जब इसकी कैंडी बनाओगे ये खाने में भी टेस्टी है, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे इसको। ये भी एक्सटेंशन भी है, केवी केस में क्या एक्सटेंशन है तो वो हम केवी केस में भी जाते हैं तो वो आगे वो दिखाते हैं। लेकिन जिस समय प्रोडक्ट तैयार हो रहा होता है आपको तो मौका मिल जाता होगा कि इसे पहले इस तरीके से टेस्ट करें, नमकीन ज्यादा तो नहीं होगा, मीठा ज्यादा तो नहीं होगा। वो तो है, वो तो है, वो जब तक हम खुद नहीं खाएंगे किसी को क्या कहेंगे। अच्छा, ये सारे अपने प्रोडक्ट आप खुद भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि स्वादिष्ट है मार्केट में भेजने का काम है, चीनी का ज्यादा कुछ वो हमने देखना होता है ना, वो तो हम पहले खुद देखेंगे तभी होगा ना। कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, मुझे बताएं कि आपको इंटरेस्ट कहाँ से आया है इस फूड साइंसेस में? जो हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है वो बेसिकली होता है प्रोडक्शन वगैरह, ये थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज़ यहाँ पे हमें उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने मिल रहा है जो हम प्रोडक्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं थ्रू एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम उसे कैसे प्रोसेस करके उसमें वैल्यू ऐड करके उसकी मतलब हम फार्मर्स को तरीके बता सकते हैं वो अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कुछ न्यू चीज़ न्यू इन्वेंशंस हम एग्रीकल्चर में ला सकते हैं। ये होता है घर बैठ के आप भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं किचन में कि किस चीज़ से क्या बनाया जा सकता है, हमेशा माइंड में यही चीज़ होती है बिकॉज इंटरेस्ट का फील्ड है और बहुत इनोवेटिव है कि हम अपने इनोवेशन यूज कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इन प्रोडक्ट्स को देखने के बाद आप क्या मानते हैं कि आने वाले समय में जो एग्रीकल्चर होगा वो बहुत ही बदला हुआ एग्रीकल्चर होगा, जो ट्रेडिशनल हमारी सोच है खेतीबाड़ी को लेकर उससे बहुत आगे बढ़ना होगा ताकि किसान फायदे में है?
हाँ ऑफ कोर्स, ये तो हमारी तो मतलब जिससे हमारा इंटरेस्ट जनरेट हुआ उसके बिहाइंड यही रीज़न था, बिकॉज अब न्यू चीज़ें आ रही हैं, बहुत पुरानी चीज़ें, अब एक पुराना सोच ख़त्म हो चुका है एग्रीकल्चर को लेके, उसमें न्यू इन्वेंशंस, न्यू टेक्निक्स, न्यू हम अपनी इनोवेशन सब लोगों को, मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं इनफैक्ट फार्मर्स तक हम ये सब चीज़ें पहुँचा सकें ताकि उनका भी बेनिफिट हो। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई फूड साइंसेज में कई सारी इनोवेशन हो रही है, और वो सारी चीज़ें भी जो हमें लगता है कि बिल्कुल वेस्ट है, कि कीनू खाया तो छिलका अक्सर हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जिन्हें आप बाद में लुत्फ लेकर जिनका जो है जिन्हें इंजॉय कर सके, जिन्हें खा सके, और कैंडी की शेप में या फिर क्रैकर्स की शेप में उन्हें आप कंज्यूम कर सकें। फ़ायदा इससे किसानों का ये होगा, स्पेशली फैमिलीज में देखने को ये मिलता है, जैसे कि इन्होंने कहा कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती हैं इन सारी चीज़ों में, और अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर ये कोशिश की जा सकती है कि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर वो बनाना शुरू करें तो इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा।